कल प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, शराब घोटाले में उनके पास कोई रिकवरी नहीं है, किसी तरह का कोई एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ। उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो आपकी सारी सीबीआई निकम्मी है, आपके सारे सीबीआई ऑफिसर्स निकम्मे हैं, आपके सारे ईडी ऑफिसर्स निकम्मे हैं। वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए सब लोगों को। कल प्रधानमंत्री जी से एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि जी केजरीवाल कह रहा है कि इस पूरे तथाकथित शराब घोटाले में कोई सबूत नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो आप सब लोगों को चौंका देगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबूत इसलिए नहीं मिला, रिकवरी इसलिए नहीं हुई, कोई भी पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो पूरे देश के सामने कल प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया कि शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, शराब घोटाले में उनके पास कोई रिकवरी नहीं है, किसी तरह का कोई एक नया पैसा रिकवर नहीं हुआ। उसे छुपाने के लिए वो कहते हैं केजरीवाल अनुभवी चोर है। तो आपकी सारी सीबीआई निकम्मी है, आपके सारे सीबीआई ऑफिसर्स निकम्मे हैं, आपके सारे ईडी ऑफिसर्स निकम्मे हैं। वो तो एक बहाना है अपनी गलत गिरफ्तारी को जायज ठहराने का कि केजरीवाल अनुभवी चोर है। लेकिन कल प्रधानमंत्री, खुद प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के सामने कबूल किया उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी, जब आप कबूल कर ही चुके हैं कि पूरा शराब घोटाला फर्जी है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, तो छोड़ दीजिए सब लोगों को।